नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है इंडियन नॉलेज। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। दोस्तों क्या आप जानते हैं कोरोना का टीका ज़्यादातर वहाँ पर ही क्यों लगाया जाता है? दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूँ, दोस्तों सभी टीके वहाँ पर नहीं लगाए जाते। कुछ टीके ऐसे भी होते हैं जैसे कि रोटा वायरस के टीके, वो मुंह के द्वारा लगाए जाते हैं दोस्तों। हालांकि कुछ अन्य टीके मांसपेशियों में भी दिए जाते हैं। टीके कंधे के ऊपरी हिस्से यानी कि वहाँ की मांसपेशियों में ज़्यादातर लगाए जाते हैं दोस्तों। एक स्टडी के अनुसार मांसपेशियाँ टीका लगाने का बेहतरीन स्थान होती हैं क्योंकि मांसपेशियों में प्रतिरक्षक कोशिकाएँ यानी कि इम्यूनाइजेशन सेल्स होते हैं। ये ही सेल्स हैं जो टीके की वैक्सीन को मिलाकर एंटीबायोटिक बनाते हैं हमारे शरीर में। दोस्तों आइए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से किया जाता है टीके के स्थान का चयन। दोस्तों अगर ऐसे टीके यानी वैक्सीन मोटे टिश्यू पर लगाए जाएं यानी कि आपकी बैक साइड में, तो सूजन बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि मोटे टिश्यू में खून का संचार ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है, और इसके कुछ अवयव ठीक तरीके से नहीं सोख पाते। टीके यानी वैक्सीन में सहायक तत्व होते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं हमारे शरीर में, इसलिए टीके को हमेशा ही मांसपेशियों पर लगाना चाहिए। दोस्तों टीका लगाने के स्थान का फैसला करने में एक अहम तथ्य यह भी है कि 3 साल या उससे ऊपर वाले लोगों को टीका हमेशा वहीं पर ही दिया जाता है दोस्तों, तथा उससे छोटे बच्चों को टीका उनकी जांघ पर दिया जाता है क्योंकि उनकी बांह छोटी और कम विकसित होती है दोस्तों। एक साधारण सा सवाल आपसे पूछा जाता है, क्या आप बड़े टीकाकरण केंद्र पर पैंट उतारने की कल्पना कर सकते हैं? आस्तीन ऊपर करना थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है दोस्तों और अधिक पसंद किया जाता है। दोस्तों संक्रमण बीमारी जैसे फ्लू शस्त्र और COVID-19 जैसी महामारी में हमारे जन स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा कम से कम समय में अधिक लोगों के टीकाकरण की जरूरत है, जिस कारण से बांह पर टीका दिया जाता है क्योंकि बांह के ऊपर हिस्से तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद जब फ्लू या COVID-19 का टीका लगाया जाता है तो अधिकतर वयस्क और बच्चे वहाँ पर टीका लगाना दोस्तों पसंद करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।